इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा ने अनूठी पहल की है, जिसके तहत ना सिर्फ हरियाली रथ के माध्यम से पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं पौधे लगाने का संकल्प लेने वालों को निशुल्क पोहा और चाय भी पिलाएंगे। इंदौर शहर में होने वाले 51 लाख पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर शहर की सामाजिक संस्था और अलग अलग विभागों द्वारा अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी के तहत इंदौर नगर निगम में MIC सदस्य द्वारा भी वृहद पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर अनोखा हरियाली रथ बनाया गया है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर आम जनता को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करेगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा ने बताया कि जो एक पेड़ लगाने का संकल्प पत्र भरेगा उसे निःशुल्क पोहा और चाय पिलाई जाएगी। देखिए, अभी हमने गाना भी लॉन्च करा था, अभी एक ललक जगाऊंगा और अपनी माँ के नाम का एक पेड़ लगाऊंगा गाना भी हमने गाया था। उसके बाद हमने एक रथ बनाया है, आप ये रथ ये जिसमें एक पेड़ माँ के नाम और ये पूरे शहर में घूम रहा है, लोगों को जागरूकता और लोगों से हम लोग जा के आग्रह कर रहे हैं कि आप एक पेड़ लगाएं और अपने परिवार में 10 पेड़ लगाने का एक संकल्प लें। इस संकल्प रथ को हम लेकर पूरे इंदौर शहर में जहाँ भी जाते हैं इसी में हम घूम रहे हैं। इसमें कहाँ कहाँ तक के भी संस्था अपना प्रचार प्रसार किया है? अभी हम पूरा अभी राजबड़ा, मल्लारगंज, टोरी खानर, नौलखा, छावनी और आप देखेंगे अभी रेसिडेंसी में भी हम खड़े हुए हैं। तो कल हम राजबड़ा पर हमने एक रथ हो रहा हमारा, वो उसमें हम संकल्प पत्र भरवाएंगे। जो संकल्प पत्र भरेंगे उनको पोहे फ्री खिलाएंगे और जो सेल्फी लेंगे उनको चाय भी फ्री पिलाएंगे।